एक वाक्या सुनाना चाहता हूँ जो माँ, खास तौर पे मैंने देखा है कि माँ से जो दूरी शुरू होती है ना वो शादी के बाद एक अलग बाज़ों का सिस्टम शुरू हो जाता है कि अब एक दूसरी आ जाती है घर में, ठीक है हमने उसके भी हुकूक बयान करते हैं और सारे भी चलते हैं, लेकिन माँ का कोई नेमल बदल तो नहीं है ना। मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर का वाक्या सुनाता हूँ, खुलासा अर्ज करता हूँ। एक बड़ी नेक शख्सियत है हज़रत अलकमा, नमाज़ें रोज़े इबादतें, उनकी विसाल का वक्त करीब आया। उनकी ज़ौजा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हुज़ूर अलकमा का आखिरी वक्त है और अब उसकी यानी वापसी का वक्त है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो सहाबा कराम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला ने, हज़रत सुहेब रूमी रदी अल्लाह तआला ने को भेजा कि जाओ और अलकमा को कलमे की तलकीन करो। अच्छा, तलकीन का मामला भी समझ लें कि जब किसी का आखिरी वक्त हो तो बाज़ औक़ात नज़ा का जब वक्त होता तो लोग करीब जाकर उसे कह रहे थे कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, ये नहीं करना चाहिए, उसके करीब जाकर खुद बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए, तो वो दुनिया से जाने वाला सुन लेता है और उसको अल्लाह पाक तौफीक दे तो वो पढ़ भी देता है, लेकिन उस वक्त कैफियत ऐसी होती है कि उसको इन्फसाइज ना किया जाए कि पढ़ो पढ़ो, खुदा ना खास्ता कुछ और ना कह दे वो। तो बहरहाल अब तलकीन की गई तो हज़रत अलकमा की ज़बान से कलमा जारी नहीं हुआ। अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास आए हज़रत बिलाल और आकर कहा कि हुज़ूर कलमा वो नहीं पढ़ रहे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या इनके वालिदैन जिंदा हैं? तो अर्ज़ की गई हुज़ूर उनकी वालदा जिंदा है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाकर उनसे कहो कि अगर वो आ सकती हैं तो वो आ जाएं, वरना सुभान अल्लाह तरीक़ेकार देखें, वरना फिर अपने घर में इंतज़ार करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं फिर मेरे आका करम फरमाएंगे। अब वो भी एक सहाबी की वालदा है, वो कहती मेरा नबी पाक का हक है और मैं एक आका की गुलाम हूँ, मैं कनीज़ हूँ, मैं हाज़िर होती हूँ। वो बुढ़ापे के बावजूद वो हाज़िर हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ऐ उम्मे अलकमा बताओ अलकमा कैसा है? कहा हुज़ूर वो तो बड़ा नेक है, नमाजी, रोज़ा, इबादत गुजार। कहा नहीं, ये बताओ तुम्हारे साथ उसका मामला कैसा है? कहा हुज़ूर मैं नाराज़ हूँ उससे। माँ कहती है मैं नाराज़ हूँ। कहा क्या वजह है? अर्ज़ किया हुज़ूर वो अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है, प्रियोरिटी देता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ की नाराज़ी की वजह से अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। यह हदीस पाक का मैं आपको खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी पाक ने हज़रत बिलाल से कहा बिलाल जाओ और बहुत सारी लकड़ियाँ ले आओ। तो वालदा कहती बूढ़ी वालदा कि हुज़ूर आप लकड़ियों का क्या करेंगे? का ऐ उम्मे अलकमा मैंने ये इरादा किया है कि अलकमा को मैं इन आग जलाकर गोया इसमें जला दूं। का हुजूर आप मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे? का ऐ उम्मे अलकमा अगर तुमने उसे माफ नहीं किया ना तो इससे बड़ा अजाब उसका मुंतजर है। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है नाजरीन, जरा सोचिए वो माँ उस वक्त क्या कहती है हुजूर में अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके फरिश्तों को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर कहती हूँ मैंने अलकमा को माफ कर दिया। माँ ये चीज, माँ हस्ती ऐसी है वो चाहे खुद कितना उसको सताया गया हो वो बच्चे को माफ कर देती है। नबी पाक ने हज़रत बिलाल को फिर भेजा ऐ बिलाल जाओ और जाकर देखो कि अब अलकमा जो है वो कलमा पढ़ते हैं कि नहीं। हज़रत अलकमा के पास हज़रत बिलाल जाते हैं, उनकी ज़बान पर कलमा जारी हो जाता है। थोड़े उसी दिन उनका इंतकाल भी हो जाता है। नबी पाक जनाजा भी पढ़ाते हैं, तदफीन के वक्त भी मौजूद होते हैं, उसके बाद नबी पाक उनके जनाजे उनकी कब्र पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, जिसका खुलासा यह है कि ऐ लोगों याद रखो उसके नमाज रोज़े इबादतें सदके कुछ भी कबूल नहीं। वो लोग जो अपने माँ अपनी बीवी पर अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देते हैं। यहाँ भी नबी पाक ने माँ की अहमियत को बयान किया। तो खुदारा अगर शादी हो भी जाए ना, ठीक है हमें इस्लाम बीवी के हुकूक भी बताता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को अब जनाब साइड पे डाल दिया जाए, माँ से लड़ा जाए, माँ से बदतमीज़ी की जाए, माँ के सामने ज़बान दराजी की जाए। माँ डरती है आज के दौर में बच्ची से और बच्चे से, बड़े बच्चे हो जाए तो बात करने में डर रही होती है। ये वही माँ है जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तो वक्त आया उसकी खिदमत का, अब तो वक्त आया उसकी दुआएँ लेने का, और इस वक्त अगर हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ों का तशवाक भाई बाहर वाले बड़े खुश होते हैं कुछ लोगों से, उनका अखलाक, उनका स्टाइल, केयरिंग, हुस्न अखलाक, कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं यार क्या कमाल का स्माइली फेस है, मगर यही बंदा अपने माँ बाप के साथ बड़ा अजीब रवैया अख्तियार करता है। हालांकि हदीस ने हमें बताया कि सबसे पहला हक, सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक के हक जो है वह हमारी माँ का है, फिर हमारे वालिद का है। तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, ये सारे नमाज रोज़े इबादतें कहीं मुँह पर ना मार दी जाए अगर माँ नाराज़ होगी।
تو ماں اور والد کو ناراض نہیں ہونے دینا, ان کی رضا میں رب کی رضا ہے. انشاءاللہ ہم